जयपुर से पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 का इनामी हर्षवर्धन पटवारी गिरफ्तार हो गया है। जी हां, नेपाल बॉर्डर से राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और पेपर लीक प्रकरण में 4 गिरफ्तारियां हुई है। एटीएस एसओजी के एडीजे वीके सिंह की प्रेस वार्ता, एसओजी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए का इनामी। तो अब से कुछ क्षणों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप पूरी जानकारी जान पाएंगे, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुनिए। एसओजी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता, एटीएस एसओजी के एडीजे वीके सिंह की प्रेस वार्ता, एसओजी मुख्यालय पर पेपर लीक प्रकरण में हुई गिरफ्तारियों की पूरी जानकारी अब से कुछ ही क्षणों में आपके साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करें। पेपर लीक के अंदर कोई कार्रवाई है जिसके अंदर गिरफ्तारियां हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई थी और जिस पर अरेस्टिंग हुई है? आज जो आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका है, इसमें जो विगत कई वर्षों से एग्जाम का पेपर लीक हो रहा था, पेपर लीक हुआ और कई लोग पेपर लीक के माध्यम से जो क्वेश्चन पढ़ के या इम्परसोनेशन के माध्यम से जो भर्ती हुए, उसके संबंध में बहुत सारे मुकदमा पहले से ही दर्ज है। उसमें एक मुकदमा है जो दिसंबर 2020 में जेएन के पेपर लीक से संबंधित है। तो इसमें कुछ आरोपी पहले अरेस्ट हुए, उनका चालान पेश है कोर्ट में, लेकिन उस तफ्तीश में जो मुख्य भूमिका में लोग थे जिन्होंने पेपर वो आउट किया, वो अभी तक चिन्हित होके और अरेस्ट नहीं हुए थे। जब हम लोग पुरानी जो अन्वेषण फाइल है उसका अवलोकन कर रहे थे और उसकी समीक्षा कर रहे थे, कुछ जो गिरफ्तारियां हुई थी और फील्ड से जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ था, तो उसमें यह ज्ञात हुआ कि एक हर्षवर्धन मीणा के नाम में पटवारी है महुआ इलाके में, जो एक बड़ा किंग पिन है इसमें। उसको हर्षवर्धन बॉस के नाम से जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं वो एड्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब जानकारी जुटाना चालू किया उसके बारे में, उसकी खोजबीन चालू करी, तो वो नेपाल में जब भाग के छुप गया था। पहले भी जब जब पुलिस का इस तरह के खोजबीन चालू होती थी तो वो नेपाल में जाकर लंबे लंबे टाइम तक छुप के वहां शेल्टर लेता था। तो ये पूरे इसकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए और बाकी जो कड़ियां हैं उसको हमने जोड़ा है। तो ये जो पेपर है जेएन वाला, ये एक स्कूल है शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा, इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने यह पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिस पे पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। तो जो इसकी वेयर अबाउट थी उसके लिए शिव कुमार भारद्वाज जो हमारे डिप्टी एसपी हैं वो और उनके साथ एक टीम हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर गोरखपुर के पास भेजा था। कैंप करके जो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीणा को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित लेकिन उसने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसका भी नाम संयोग से राजेंद्र यादव ही है। तो दो राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में, एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था और दूसरा राजेंद्र यादव जो
हर्षवर्धन मीना का सहयोगी है और संयोग से वो उपनिरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है। और ये जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक और प्रमुख कर्ता धरता रहा है, शिवरतन मोट, ये लाइब्रेरियन के पद पे लगा हुआ है गंगानगर में। तो ये चार लोगों की गिरफ्तारी है। ये चारों लोग इस जेईएन के पेपर में पूर्णतया इन्वॉल्व रहे हैं, जो सेंटर से निकालने से लेकर बांटने तक। इसमें आगे जो इनका जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया उनके बारे में जांच करेंगे हम, साथ में जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे पास अनुसंधान पेंडिंग है उसके बारे में, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस है और कुछ अनुसंधान से, और उसको हम लोग पुख्ता कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इस संबंध में और आगे विशेष जानकारी आपसे साझा करेंगे। वो जो ये राजेंद्र यादव शिक्षक हैं, इन्होंने स्ट्रांग रूम में जहां से पेपर रखा हुआ था, इनकी ड्यूटी एग्जाम से रिलेटेड रहती है अपने स्कूल में, ये विश्वास हासिल कर लेते हैं स्कूल अथॉरिटीज का और ये अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं एग्जाम मटेरियल के आसपास, और वहां से इन्होंने चीरा लगा के पेपर निकाला था जेईएन पेपर का। ये दुर्भाग्य की बात है कि चारों राज्य कर्मी हैं। पिछली भी गिरफ्तारियों पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें से काफी लोग हैं जो ऑलरेडी राजकीय सेवा में हैं। संभव है कि इसमें जो नए रिक्रूट है वो इसी माध्यम से उपकृत हुए हैं। मैंने जो वो पेपर तो कैंसिल हो गया था, जो आपने पूछा कि सरकारी कर्मचारी है उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे जो लाइब्रेरियन है या जो पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, इनका हमें पूरा संदेह है कि इनका चयन फेयर तरीके से नहीं हुआ है, इन्होंने अनफेयर मींस इस्तेमाल किया होगा अपनी भर्ती में, उसकी हम जांच कर रहे हैं। हर्षवर्धन के खिलाफ वारंट हमने जारी कराया था। नेपाल से तो हम पकड़ नहीं सकते, बॉर्डर से ही पकड़ सकते हैं। सर, इन्होंने कोई और एग्जाम में भी पेपर लीक का या कोई डमी कैंडिडेट बैठा नहीं किसी को? बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास पहले से हैं, बहुत सारी सूचनाएं इनके तरफ से हैं, उसको हम लोग सत्यापित करके आगे की जानकारी आपको देंगे। तो चारों नेपाल से? दो, हर्षवर्धन मीना और राजेंद्र यादव जो सब इंस्पेक्टर में चयनित है, 30-31 साल का नौजवान है, ये नेपाल से पकड़े गए हैं। जो लाइब्रेरियन है इन्हें वहां से गंगानगर जिले से लाए हैं, और जो ये टीचर है इनको इनके स्कूल से लाए। इस मामले में सर कोई और कोई मुख्य अभियुक्त या संयुक्त वांटेड? अब बहुत सारी चीजें मीडिया को खुलासा करने से हमारा काम दुरू हो जाएगा, हमें आपको बताना भी है और अपने ऑपरेशन हिसाब से छुपाना भी है। इस मुकदमे में अब तक कितनी गिरफ्तारी होगी? वो प्रेस नोट में दी हुई है, मेरे ख्याल से 24 हो चुकी है। इसमें राजकर्मी कितने होंगे 24 में? वो सारी सूचना जिसको जिसको अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेरी है वो पूछ लीजिए, सब बता देंगे। जिसको जो डिटेल चाहिए, जो सप्लीमेंट्री क्वेरी करनी है पूछिए, बताएंगे। अलग से आप मैसेज कर देना मोबाइल पर, ठीक है ना? धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे एटीएस एसओजी के डीजीपी के सिंह की प्रेस वार्ता, और पेपर लीक प्रकरण में जो चार गिरफ्तारियां हुई है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। एसओजी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता और मीडिया के सवालों के जवाब पेपर लीक प्रकरण जो कि राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा, उस पर दिए गए। दरअसल 50,000 का इनामी हर्षवर्धन पटवारी गिरफ्तार कर लिया गया है, नेपाल बॉर्डर से राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। मैंने आपको एक बंदी बात बताई कि हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, एक एक करके सारी जानकारी जैसे जैसे फॉर्मलाइज करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। इस पर इनाम था सर? हाँ, 50,000 रूपये।
जिसको विजुअल करना आरोपी का वो बाहर है, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए कृपया करके हम में से किसी से भी आप संपर्क कर लीजिए जिसका नंबर हो। इस बुलेटिन में